Hello everyone. Today I'm going to discuss about future perfect continuous tense. This is last type of your tense. So let us discuss. Future perfect continuous tense is used to express the going action that will be completed in future before a certain time. जो आपके action चल रहे होते हैं और certain time से पहले complete हो जाते हैं उसके लिए आप क्या use करते हो? Future परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हो. जैसे आप कहते हो कि 2 घंटे से बारिश हो रही होगी, दैट मीन्स क्या है, ये आपका एक्शन ऑन गोइंग है और फ्यूचर के किसी एक्शन से पहले क्या है, कंप्लीट हो चुका है. पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, पहले आपको बता दूँ इसका रूल क्या होता है. विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये इसका रूल है. और फोर और सीन्स का यूज़ होता है, जिसमें जैसे कि हमने पिछले टेंसेज में भी लर्न किया है, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज किए हैं. तो पहले देखिए सब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing आती है, फिर टाइम रेफरेंस आता है. तो यहाँ पे देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, विल हैव बीन जो आपका रूल है, टेकिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ing. यहाँ पे द एग्जाम क्या है आपका, द रेफरेंस जो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल हैव बीन, तो यहाँ पे विल नॉट हैव बीन, बीच में नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब के ing प्लस आपका टाइम रेफरेंस. देखो आई सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव बीन, यहाँ पे नॉट को बीच में लगा देना, विल नॉट हैव बीन टेकिंग द एग्ज़ाम. आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में पहले विल को आगे निकाल लेना है, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट और हैव बीन. जैसे कि आपको पहले बताया था इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट राइट करते हैं. परफेक्ट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट राइट करोगे. जैसे विल आपका रूल है, आई आपका सब्जेक्ट है, हैव बीन आपका रूल है, टेकिंग आपका रूल है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो इसका यूसेज देखिए कहाँ पे होता है, टू एम्फेसाइज द ड्यूरेशन ऑफ द सम एक्शन. कुछ एक्शन की ड्यूरेशन को बताते हैं, दैट विल बी कम्प्लीटेड एट अनदर सम पॉइंट इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में किसी अनदर टाइम पे कम्प्लीट हो जाते हैं. एग्जांपल देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस ईयर के एंड तक, आई विल हैव बीन कम्प्लीटिंग माई ग्रेजुएशन फॉर 2 ईयर्स, मैं अपनी 2 ईयर की ग्रेजुएशन को क्या कर पाऊँगा, कम्प्लीट कर जाऊँगा. तो ये क्या है, आपकी जो ड्यूरेशन बताती है सम एक्शन की, और जो कम्प्लीट हो जाते हैं अनदर टाइम के फ्यूचर में. तो अगला देखिए, जैसे कि मैंने आपको हर एक में बताया था कि विल का यूज़ कहाँ पे होता है, शैल का यूज़ कहाँ पे होता है. देखिए पहले हम क्या करते थे, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ शैल लगाते थे, बाकी यू, ही, शी, इट, इन के साथ क्या लगाते थे, विल लगाते थे. लेकिन अब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो हम क्या यूज़ करते हैं, ओनली विल यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि विल की मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी, और स्टॉप ही डाल के, यही शैल की शॉर्ट फॉर्म है, यही विल की शॉर्ट फॉर्म है. फिर हम क्या लगाते हैं, हैव बीन, फिर एंड पे क्या आ जाती है आपकी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जो इसका रूल है. तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई विल हैव बीन रीडिंग, ऐसे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है. विल हैव प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मीनिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. विल हैव बीन, क्योंकि अब हम शैल हैव बीन को यूज़ ही नहीं करते हैं. श्राव विल हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, बाय 8 o'clock, ये विल हैव बीन टेकिंग, ये आपका रूल है. श्रा है जो 8 o'clock तक बातें कर रही होगी, 1 घंटे तक. बाय द एंड ऑफ द रेस, आई विल हैव बीन रनिंग फॉर 6 वीक, इस हफ्ते के एंड तक मैं 6 वीक तक रन करता रहूँगा. तो यहाँ पे एक फ्यूचर एक्टिविटी स्टिल गोइंग एट दिस टाइम, जब आप बोल रहे ना उस टाइम पे, वो फ्यूचर की एक्टिविटी क्या है, चल रही है. जैसे मैंने आपको बताया कहाँ पे होता है, जैसे मैं कहती हूँ 2 घंटे से बारिश हो रही होगी, तो ये क्या है, जो ये जो एक्टिविटी है हमारी, ये क्या होती है, कंटिन्यूटी में होती है, जिसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. इसका रूल देखिए, विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, व्हेन डू वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्शन दैट विल स्टार्टेड, जो एक्शन विल हैव स्टार्टेड, जो एक्शन स्टार्ट हो चुके हैं. विल हैव कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक कंटिन्यूटी में है. एंड विल स्टिल बी इन प्रोग्रेस, और अभी तक भी प्रोग्रेस में है फ्यूचर में. जैसे बिफोर अ स्पेसिफिक मोमेंट, और किसी मोमेंट के पहले, जैसे दे विल बी फ्लाइंग टू द लंदन फॉर 4 आवर्स बाय दिस टाइम टुमारो, मतलब
इस टाइम तक कहते हैं कि वो इस टाइम तक लंदन को फ्लाई कर चुके होंगे, लेकिन अभी किया नहीं है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक टाइम और मोमेंट के लिए यूज़ कर रही हैं, बिफोर अनदर एक्शन टेक प्लेस, इससे पहले कि कोई दूसरा एक्शन हो उसके पहले की बात जब करते हैं। वी विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल डे बाई डे बाय द टाइम शी रिटर्न्स, जब तक वो वापस आएगी तब तक हम अपने हाउस को क्लीन कर रहे होंगे। तो अगला देखिए, जैसे कि मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट है, फिर विल हैव बीन एक साथ है, फिर आई एन जी फॉर्म है। यहाँ पे देखिए, पहले सब्जेक्ट है विल हैव बीन, लेकिन बीच में क्या है, नॉट आएगा, फिर आई एन जी फॉर्म आएगी। अब इसमें क्या होता है, पहले विल को निकालना है, फिर सब्जेक्ट को लगाना है, फिर बीन हैव बीन को लगाना है, फिर आई एन जी फॉर्म लगानी है, और एंड पे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। सो इसका यूसेज क्या है, टू सो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप टिल द पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर, जो चीज़ आपकी पर्टिकुलर इवेंट और टाइम जो फ्यूचर में प्रेजेंट चलता रहेगा। जेम्स विल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी, जेम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होगा फॉर मोर देन वन ईयर, एक साल से ज़्यादा, बाय द टाइम्स ही लीव फॉर एशिया, जब से उसने एशिया के लिए लीव किया है। टू टॉक अबाउट समथिंग डैट फिनिश्ड अस, उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए जो अभी जस्ट फिनिश हुई है, और बिफोर अनदर टाइम और एक्शन, किसी एक्शन से पहले। इट आई विल बी टायर्ड वेन आई गॉट होम बिकॉज आई विल बी टॉकिंग ओवर एन हॉर, कहते हैं यहाँ पे क्या है, मैं थक गया होऊंगा जब मैं घर आऊँगा, तो उस टाइम पे, क्योंकि मैं 1 घंटे तक क्या कर रहा था वहाँ पे, वॉकिंग कर रहा था। सो दिस इज़ योर कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फ्यूचर टेंस, टुडे वी हैव कम्प्लीटेड अवर टेंस रूल, होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल 12 टेंस रूल्स, आई हैव मेड सेपरेट वीडियो फॉर टेंस रूल्स, यू कैन सी वीडियो इन डिस्क्रिप्शन, इफ़ यू वॉन्ट टू डू स्पोकन कोर्स यू कैन सी इन डिस्क्रिप्शन स्पोकन वीडियोज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गिव मी मोर एंड मोर सपोर्ट, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।